जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीप डाइव विद अभिनव करे में। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी आजादी हीरोज वाली जो सीरीज है। आज हम बात करेंगे लाल पाल बाल वाला जो त्रिमूर्ति है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में। तो चलो कूदें। बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म सिलेट में हुआ, उस इलाके में हुआ सिलेट का जो अब बांग्लादेश का पार्ट होता है। एक धनी जमींदार के घर में ये पैदा हुए। इनके पिता फारसी के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे, विज्ञाता थे, उसी का असर इनके ऊपर भी आया। शुरू से ही ये पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे। अपने कलम के दम पर इन्होंने स्वराज्य और स्वदेशी जो गुड्स का जो मूवमेंट है उसको इतनी ज़्यादा आगे बढ़ाया कि आज इनको भारत में जो क्रांतिकारी हैं और जो क्रांतिकारी आइडियोलॉजी है उसका महापिता माना जाता है। बिपिन चंद्र पाल जी का दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकटा में ग्रेजुएशन के लिए हुआ, बट यहाँ पर पढ़ने के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है जो ब्रिटिश दे रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है। तो इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ी और सेल्फ लर्निंग पे फोकस किया, खुद अपनी पढ़ाई इन्होंने आगे बढ़ाई। साहित्य के ऊपर इनका इतना स्ट्रांग होल्ड था कि बिना किसी डिग्री होने के बावजूद इनको सेंट पॉल कॉलेज में एज अ टीचर नौकरी मिली। साथ ही साथ जो कलकत्ता की जो पब्लिक लाइब्रेरी थी वहाँ पे एज अ साइड जॉब ये एज अ लाइब्रेरियन काम करते थे। अब यही लाइब्रेरी है जहाँ पर रहने के बाद बहुत बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हैं ये उनके संपर्क में आए, जैसे कि केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री और एस एन बनर्जी जी। बिपिन चंद्र पाल जी इंग्लैंड गए, वहाँ पर कंपैरेटिव थियोलॉजी की उन्होंने पढ़ाई करी। वापस जब आए इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। इनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर अंग्रेज़ों को हराना है, अगर स्वराज्य चाहिए है, तो अंग्रेज़ जिस तरह से भारत को एक्सप्लॉइट करके, अत्याचार करके भारत के भारतीयों के साथ जिस तरह मुनाफा कमा रहे हैं, अगर उस पैसे की ट्रेल को रोक लिया जाए तो अपने आप ही अंग्रेज़ कमज़ोर हो जाएंगे और भारत को स्वराज्य मिल सकता है। इन्होंने शुरुआत की कि अंग्रेज़ जो कच्चा माल भारत से ले जाते थे और उसके बाद में जो बना बनाया जो प्रोडक्ट आता था वो या तो भारत में या फिर विश्व के दूसरे जो देशों में बेचते थे, जिसके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। अगर इस ट्रेल को रोक दिया जाए तो सारा काम तमाम हो जाएगा। इन्होंने बोला अंग्रेज़ी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बहिष्कार करो, स्वदेशी प्रोडक्ट का एक इन्होंने एक मूवमेंट लाया जिसके थ्रू स्वराज्य ला सकते हैं इकॉनमी पे अटैक करके। इनने एक बहुत ही फेमस एक जो लेक्चर था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जो भी बायकॉट होते हैं, जो भी बहिष्कार होते हैं, उसी की तरह मूवमेंट, उसी के थ्रू मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब कोई भी आंदोलन अगर उसको आगे बढ़ना है तो जो विदेशी ताकतें उनके द्वारा जो भी बनाए गए जो पदार्थ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। इनका जो स्वदेशी आंदोलन था उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि उस समय ये और इनके जो सहयोगी थे इन्होंने बोला कि इसी आंदोलन को अभी एक विकराल रूप लेने देते हैं ताकि अंग्रेज़ों को इसी समय भगा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार वी विल, हम लोग जो कैवियट्स हैं, जो पिटीशंस हैं, जो लेटर्स हैं, जो चिट्ठी हैं, ये लिख लिख के अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगते रहेंगे। इस अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट के कारण, अंदरूनी लड़ाई जो कांग्रेस के बीच में थी इसके कारण और नहीं तो कम से कम हम 20 से 25 साल हमारी आज़ादी डिले हो गई, वरना हम 20-25 साल पहले आज़ाद हो चुके होते। इनके विचारधारा और जितने अच्छी तरीके से ये बताते थे जो नॉर्मल जो पब्लिक थी उनको अपनी बात समझाते थे, इससे डर के अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया। फॉर्मली इनको चार्ज किया कि अरबिंदो जो घोष हैं उनके क्राइम से रिलेटेड जो जो भी एविडेंसेस थे उनको इन्होंने जानबूझ के, बिपिन चंद पाल जी ने जानबूझ के छुपा के रखा था, जिसलिए रखा है उनको जेल के अंदर। जेल में रहकर भी इन्होंने दो तीन बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। फाइनली ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न लीडर थे, बहुत प्रोग्रेसिव लीडर थे। हिंदुइज्म में भी इन्होंने ब्रह्मो समाज जो है उसको ज्वाइन किया। उन्होंने बोला छुआछूत,
विधवा का पुनर्विवाह, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको सपोर्ट किया, छुआछूत खत्म होना चाहिए। तो ये एक चीज़ को समझते थे कि आज़ादी या जो स्वराज्य है वो तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक हमारा समाज अंदर से प्रोग्रेसिव नहीं होगा, हमारे समाज की जो बुराइयां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं वो जब तक नहीं जाएंगी। विधवा पुनर्विवाह में इनका इतना ज़्यादा भरोसा था और ये हमेशा लीडिंग बाय एग्जांपल थे, खुद करते थे प्रचार करने की जगह। इन्होंने खुद ने भी एक विधवा से विवाह किया, जब वो आगे चलकर हेल्थ की वजह से जब वो चल बसी तो इन्होंने दोबारा शादी करी जिस महिला से, वो भी एक विधवा थी पहले से। सो बिपिन चंद पाल जी को हमेशा याद किया जाएगा हिंदुस्तान की तारीख में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज डीप डाइव विद अभिनव करे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ सबको शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमें कॉमेंट कर बताइए और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज में कवर करें। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया।